जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि रिया चक्रवर्ती और उनका पूरा परिवार यानी कि पूरा चक्रवर्ती परिवार सुशांत के पैसों पर ऐश कर रहा था, सुशांत के पैसे उड़ा रहा था, सुशांत के पैसों पर अपने सपनों को पूरा कर रहा था और सुशांत के पैसों पर अपना हक कैसे जमा रखा था जैसे उनका खुद का पैसा हो। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती की मां के पार्लर तक का खर्चा सुशांत के पैसों से होता था। वहीं आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुशांत के पैसों का काफी फिजूल खर्ची करती थी। वो और उनके परिवार वाले अपने घर का खर्च तक सुशांत के पैसों से पूरा करते थे। वहीं आपको बता दें कि सुशांत के पूर्व पीए ने एक खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि एक बार सुशांत को पता चल गया था कि उनके अकाउंट से रोज के हिसाब से लाखों का पैसा निकलता है और रेहा चक्रवर्ती काफी फिजूल खर्ची करती है। उनके अकाउंट से लाखों के हिसाब से पैसा निकाल कर खर्चा करती है, जिस पर सुशांत को उस वक्त काफी गुस्सा आया था और वो रेहा चक्रवर्ती से काफी नाराज भी हो गए थे। आपको बता दें कि और ये खर्चों की बात उनको रजत मेहवाती ने बनाई थी, जो उस समय उनके पूर्व अकाउंट्स को हैंडल करते थे। ये बात उन रजत ने सुशांत को बताई थी कि उनके अकाउंट से रोज के हिसाब से लाखों का पैसा निकलता है। और जब ये बात जाके सुशांत ने रेहा चक्रवर्ती से डिस्कस की, उनको कहा कि तुम काफी फिजूल खर्चा करती हो, अब अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल करो, जिसके चलते रेहा चक्रवर्ती को काफी गुस्सा आ गया था और वो सुशांत पर भड़क उठी और उनसे नाराज हो गई। सुशांत ने जाकर कहा कि रेहा तुम काफी खर्चा करती हो, तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट मैंने देखा है, तुम रोज के हिसाब से लाखों का पैसा निकालती हो। जिस बात पर रिया चक्रवर्ती सुशांत से काफी गुस्सा हो गई थी। आपको बता दें कि सुशांत ने जब रिया चक्रवर्ती का ये एटीट्यूड देखा तो उनको रिया चक्रवर्ती पर काफी गुस्सा आया और वो रिया चक्रवर्ती पर हाथ उठाने वाले थे, लेकिन वो हाथ उन्होंने रोक दिया और उन पर हाथ नहीं उठाया, जिस बात की पुष्टि खुद रजत ने की है। उन्होंने कहा कि रेहा चक्रवर्ती को उन्होंने कहा कि अब तुम फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करोगी। वहीं आपको बता दें कि रेहा चक्रवर्ती ने इन बातों का दावा किया था कि वो सुशांत का पैसा बिल्कुल भी खर्च नहीं करती थी, वो अपना खुद का पैसा खर्च करती थी, वो सुशांत से एक रुपया भी नहीं लेती थी, ना ही सुशांत ने आज तक उनको कोई पैसा दिया है। लेकिन रजत के इस बयान के बाद से ये वाले झूठ भी रेहा चक्रवर्ती के पकड़े जाते हैं। वहीं आपको बता दें, इस बात से रेहा चक्रवर्ती को ये लग गया था कि अब उनका सुशांत पर कोई कंट्रोल नहीं रहा, जिसके चलते रेहा ने एक साजिश रची और सुशांत को ड्रग्स देना शुरू किया। ड्रग्स के रूप में उन्होंने उनकी चाय या कॉफी पर 4 से 5 बूंद डालना शुरू किया, जिससे सुशांत नशे में रहने लगे और वो सुशांत के पैसे उड़ाती रही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़, और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर।